एक समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी और पुष्टि संप्रदाय के आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी, ये दोनों भगवत स्वरूप महापुरुष जो है प्रयागराज में मिले। तो उस समय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने वल्लभाचार्य जी से पूछा कि आप हमें यह बतलाइए कि जीव की दुर्गति कैसे होती है। उस समय वल्लभाचार्य जी ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि हे भगवान, एक कमल की कोमल कोमल पंखुड़ी को सुई से छेद करने में जितना कम समय लगता है ना, उतना कम समय भी अगर कोई व्यक्ति दुष्ट लोगों का संग करता है तो उस व्यक्ति का निश्चित ही दुर्गति होगा। अब जो है वल्लभाचार्य जी ने चैतन्य महाप्रभु जी से पूछा, हे भगवान, आप हमें यह बतलाइए कि जीव की सदगति कैसे होगी। उस समय चैतन्य महाप्रभु जी ने वल्लभाचार्य जी से कहा कि देखो, एक गाय के सिंह के ऊपरी भाग पर, गाय का सिंह का जो बिल्कुल ऊपरी भाग होता है वो कितना गोल होता है ना, और उस गाय के सिंह के ऊपरी भाग पर एक सरसों का गोल दाना जितना देर तक टिकता है, उतना देर भी अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों का संग करेगा तो निश्चित ही उस व्यक्ति की सदगति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात आप विचार कर सकते हैं कि गाय का जो सिंह का ऊपरी भाग होता है वो कितना गोल होता है, और उस गोल सेंटर के ऊपर एक गोल सरसों का दाना कितना देर रुकेगा। बहुत कम समय रुकेगा। उतना कम समय भी अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकालकर सत्संग करता है तो निश्चित ही उस व्यक्ति की सदगति होगी। इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन का प्रत्येक कार्य करते हुए कुछ समय निकालकर भगवान के भक्तों के संग में बैठकर सत्संग करना चाहिए।